हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ग्रीन किचन में स्वागत है। दोस्तों, आज की रेसिपी है मोरिंगा लीव्स फ्राई रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे जनरली मूंगे की भाजी कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो हमारे प्रीवियस वीडियो पर यानी कि बज्जी वाले वीडियो पर कुक विद सुमा ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। वाओ, वेरी गुड डियर, थैंक यू कुक विद सुमा। और फूड नेटवर्क आयन ने कहा है सो डिलीशियस, थैंक यू वेरी मच। आप जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। तो यहाँ पर हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है मोरिंगा लीव्स या ड्रमस्टिक लीव्स या मूंगे की भाजी आप कह सकते हैं, 2 बंचेस लिया है हमने। अब इसे अच्छे से वाटर में जो है वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे प्रेशर कुकर और ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट यानी कि स्वाद अनुसार। अब हम ऐड करेंगे ऑनियन, 1 मीडियम साइज्ड ऑनियन लिया है जो कि बारीक कट करके रख लिया था हमने। अब हम ऐड करेंगे वाटर, 1/4 मीडियम ग्लास वाटर लिया है। इस भाजी में जो है थोड़ा सा वाटर कंटेंट भी रहता है, तो देख समझ कर ही अब वाटर का इस्तेमाल कीजिए। और लिड कवर कर देंगे और विजिल को अटैच कर देंगे और करीबन 1 प्रेशर आने तक रुकेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 प्रेशर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे जो है मूंगे की भाजी या मोरिंगा लीव्स जो है इस तरह से दिखने लगेंगे, तो साइड रख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, बहुत से लोग जो है हमारे चैनल को देखते हैं बट बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके करीबी दोस्तों से शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि ग्रीन किचन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ शेयर करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कढ़ाई लेंगे और ऐड करेंगे ऑयल 2 बड़े चम्मच। अब हम ऐड करेंगे माश लेंटिल्स यानि कि माश की दाल 1/4 छोटी चम्मच और चना दाल 1/4 छोटी चम्मच और मस्टर्ड सीड्स 1/2 छोटी चम्मच, थोड़े से करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता 1 स्ट्रैंड लिया है हमने। अब हम ऐड करेंगे ऑनियन, 1/2 मीडियम साइज्ड ऑनियन लिया है जो कि बारीक कट करके रख लिया था। तो इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद अब हम ऐड करेंगे मोरिंगा लीव्स यानी कि बॉइल्ड मोरिंगा लीव्स जो कि हमने कुकर में बॉइल कर लिया था, तो इसे ऐड कर देंगे और करीबन 8 से 10 मिनट तक कुक होने देंगे यानी कि इसमें से जो वाटर कंटेंट अच्छे से ड्राई अप हो जाए तब तक इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। ये मोरिंगा लीव्स यानी कि मूंगे की भाजी जो है इसमें बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं, तो आप इसे ज़रूर कंज्यूम करें और आपके डाइट में इसे ऐड करें। अब हम ऐड करेंगे स्पाइसी फ्राई पाउडर 1 छोटी चम्मच। आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर कंटेंट, इस वाटर कंटेंट को ड्राई होने तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वाटर नहीं नज़र आ रहा है, तो हमारी मूंगे की भाजी यानी कि मोरिंगा लीव्स जो है बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे राइस के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब तो बनता है, पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।